खबर बांदा जनपद से, जहां अतर्रा थाना के पचोखर गांव का रहने वाला एक व्यक्ति 15 वर्ष पहले भटकते भटकते पाकिस्तान पहुंच गया था, जहां पाकिस्तान की लाहौर की जेल में बंद था, जिसे पाकिस्तान जेल से 30 अगस्त को बाघा बॉर्डर पर भारत को सपोर्ट कर दिया गया, जिसके बाद बांदा प्रशासन को सपोर्ट किया गया है। आपको बता दें, बांदा जनपद के अतर्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत पचोखर गाँव निवासी 45 वर्षीय व्यक्ति राम बहादुर पुत्र गिल्ला लगभग 15 वर्ष पहले अपने घर से चला गया था और भटकते भटकते पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर घुस गया था, जिसको पाकिस्तान की फोर्स के द्वारा लाहौर जेल में बंद कर दिया गया था। 12 वर्षों के बाद राम बहादुर को रिहा कर 30 अगस्त 2021 को पंजाब प्रांत के अमृतसर में सपोर्ट कर दिया गया, जिसे बांदा जिलाधिकारी आनंद कुमार सिंह के निर्देशन पर टीम बनाकर बबेरू नायब तहसीलदार अभिनव तिवारी अतर्रा थाने पर तैनात उप निरीक्षक सुशील चौरसिया को अमृतसर भेजा गया था और आज गुरुवार की दोपहर राम बहादुर को बबेरू तहसील पहुँचा दिया गया। परिजनों को सपोर्ट करने के लिए बबेरू नायब तहसीलदार टीम के साथ पचोखर गांव पहुंचकर परिजनों के सपोर्ट किया गया। जैसे ही परिजनों ने राम बहादुर को देखा तो खुश हो गए और बूढ़े माँ बाप की आंखों में आंसू छलक उठे। सभी परिजनों ने राम बहादुर का फूल माला पहनाकर व मुंह मीठा कराकर स्वागत किया। पाकिस्तान से लौट कर आए राम बहादुर को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गयी। मानसिंह से कमलेश चौरसिया की रिपोर्ट। आपका नाम क्या है? राम बहादुर। राम बहादुर कहाँ के रहने वाले हो? पचोखर। पचोखर बांदा जनपद के। अभी कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से? पाकिस्तान में थे ना? पाकिस्तान में थे। कहाँ? जेल में। खाना देते थे? क्या क्या देते थे खाना? और कुछ नहीं देते थे। मारते थे क्या? कहे के लिए मारते थे? कहे के लिए? अच्छा, पहले रहते थे। कितने साल रहे हो वहाँ? 5 साल। 5 साल की? 12 साल। 5 साल चले कैसे गए? ये क्या नाम है आपका? माइकू। कहाँ रहते हैं? पचोखर। आज कौन सा दिन है? आज आपके यहाँ कैसी खुशी मनाई जा रही है? आज बहुत बढ़िया खुशी मना रहे हैं। कौन है आपका जो काफी दिन बाद लौट के आया? भाई है। बड़ा भाई है आपका? बड़ा भाई है। कब गया था ये? 12 साल हो गया। ढूंढने की कोशिश नहीं करी थी? बहुत ढूंढ हो। क्या क्या लगा था आपको कि फिर कभी अपने भाई से मुलाकात हो पाएगी? तो हम यही तो सोच रहे थे कब मुलाकात हो है। नहीं, आपको लगता था कभी मिल पाएंगे? हाँ, हमें पहले नहीं लगता रहा था मिल पाओ थे। नहीं, आज थी अपने भाई की लौटने की? कभी पहले ही आपको नहीं रहा है? अब जब से खबर मिल गई, जब से आसराय बनेगा। किसका धन्यवाद कहेंगे आप? आप सबका। तुम कितने साल पहले गया था और किन परिस्थितियों में गया था? यार, साइकिल लेके गया था। अब 12 साल हो गया यार। आई इतना ढूंढो, बहुत ढूंढो, मिला नहीं है हमें। शादी वादी नहीं हुई थी इसकी? शादी नहीं भय रही आया कर। नहीं तो अभी बात करने में कैसा महसूस कर रहा है? वो तो अब वका हाफ है दिमाग तो वका पे में कोई सच्चाई नहीं है। अच्छे दिमाग को अगर वो भाई दिमाग को अगर सही हो तो मैं बात उसकी सही माना। आज घर में खुशी का माहौल है? आज खुशी का माहौल है। सब लोगों के चेहरे में खुशियाँ दिख रही हैं? हाँ सब। पिताजी का क्या हाल है? आज पिताजी का बढ़िया हाल है। अब क्या कह रहे हैं? अब वो खुशी मना रहा है, बढ़िया आ गया है। जनपद का क्या है पूरा मामला? ये राम बहादुर जी हैं, ये लगभग 15 साल पहले अपने घर पे चले गए थे साइकिल पे। उसके बाद ये काफ़ी समय नहीं आए तो घर वालों ने इनको उनकी रिपोर्ट वगैरह कराई थी, दूर ढाल किया था। इसके बाद इनको तरीके से भूल ही गए थे। लेकिन ये अभी पाकिस्तान में थे, इनको अपना गाँव और अपने घर वालों का पता याद था, तो वहाँ से फिर पाकिस्तान से पहुँच गए। किस तरीके से कैसे पहुँचे ये पता नहीं अभी। फिर वहाँ से सेना की गई, पहचान किया गया कि इनको अमृतसर 30 अगस्त को अमृतसर सपोर्ट किया गया अमृतसर एडमिनिस्ट्रेशन को। वहाँ से हमारे जिलाधिकारी महोदय के पास चिट्ठी आया था, जिलाधिकारी महोदय के आदेश पर हमारे जिले का लेटर बना था। इसके आदेश पर फिर हम हैं और एसआई अतर्रा सुधीर चौरसिया दोनों लोग अमृतसर गए थे। वहाँ के नाग तहसीलदार अधिकारी के उन्होंने हमारे सपोर्ट दिया है और अभी इनको लेकर खत्म कर जा रहे हैं।
परिजनों को सुपुर्द करने। हाँ, सुपुर्द के अपने गांव में।